मत छेड़े मेरे पिटारे ने, एक पहर की समझाऊं सो ना समझा मेरे इशारे ने, गुरु लक्ष्मी चंद भी मसूदी पूजा भूषण गुरु द्वारे ने, और मर के राम पागल हो गया देख कमरे चुपारे। मन सिंगा के फैल रटे हो नाथ घड़ा मतना फिरके, खांडे राव पुरी न मानस लाखा घेर दिया गरे, तेरे 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 जिसे गणे आओ यार गणे चारो, जब बात नहीं बनी तो वी विक्रमा जी उदास मन से महलों में पहुंचा, और जब उस रतन कौर ने देखा कि महाराज शहर घूमने के लिए गए थे लेकिन उदास मन से आए, तो पूछती है महाराज आप शहर घूमने के लिए गए थे क्या कोई बात होगी, आपका चेहरा उदास है। अब हाँ बात हुई है, अब क्या अब तूने मना किया थी कि दक्षिण दिशा में मत जाना, लेकिन मैं आखी था तेरी बात तो नहीं मानी, मैं घूमता घूमता दक्षिण दिशा में चला जाता हूँ और मेरा निश्चय तो बात किसका मकान था, अब हाँ वो नथुराव राजपूत का मकान था, और उस पर एक बहुत ही सुंदर लड़की तेज सुखावत, अब हाँ वो उसकी लड़की है जिसका नाम खंडेराव पुरी, हमारे लिए आदरणीय विनोद शर्मा जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं बार बार, धन्यवाद है, धन्यवाद। हमारे लिए आदरणीय वार्ड 10 से जिला पार्षद के भावी उम्मीदवार बल्लू बारो जी काफी नाम पहले 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं बार बार, धन्यवाद है, धन्यवाद। हर भाई पावी के मारे ने कदम बने गया, और भांजा बताया धांगा ला जो ये बताली बता जो भाई के नाम, तो उस लड़की को देखकर मैंने विचार किया कि क्यों ना इसके साथ शादी कर लूं, लेकिन उसके बातों से नहीं लगा कि वो मेरे साथ शादी करेगा, कि महाराज उल्टा हाथ ला लिया, लेकिन मैं कोशिश करती हूं। लड़की रतन कौर ने अपने पिता श्याम धाम से बात की और नथुराव राजपूत को बुलाया गया दरबार में, अब भाई ये राजा वीर विक्रमाजीत है और ये तेरी लड़की के साथ शादी करना चाहता कि महाराज मन को तकलीफ है लेकिन आपको लड़की से पूछना पड़ेगा, खांडे राव परी को भी दरबार में बुलाया कि महाराज मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी कुछ शर्तें, जो मेरी शर्तों को पूरा करेगा मैं उसके साथ शादी करूंगा। अब भाई तू दरबार में खड़ा या दरबार में खड़ी, अखबार आज मैं भी तैयार हूँ या अपनी शर्त बताओ, तो शर्त बताती है और वीर विक्रमाजीत उस शर्त को सुनता है, कैसे क्या मेरी के ना।
Sandy, 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 Sand
बस्ती में।